फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टमाटर की ऐसी चटपटी मीठी चटनी जिसे खाकर सभी का मन प्रसन्न हो जाएगा और ये सॉस को भी फेल कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस होम टिप्स। मैं निर्मला सिंह आपको आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी जो आप हर तरह से पराठा और पूड़ी के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो मैं ये आपको टमाटर की चटनी की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप इसे जितना आसानी से बना सकते हैं उतना ही दिन आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप इसे एक महीने तक आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी लाती हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेश टमाटर लेने होंगे, जो टमाटर बहुत अच्छे से पके हुए हों, और इसे हमें धोकर साफ कर लेना है अच्छे से। अब हमें टमाटर को पकाना है थोड़ी देर, तो हम टमाटर में अच्छे से हल्का हल्का कट लगा देंगे। काटना नहीं है, सिर्फ हमें कट लगाना है जिससे कि जब टमाटर पक जाए तो हम इसके छिलके आसानी से उतार सकें। अगर आप टमाटर में कट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप वैसे भी आप इसे पका लें। पकने के बाद ऐसे ही टमाटर का छिलका फट जाता है जिससे कि छिलका उतारने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि टमाटर बहुत कम टाइम में ही पककर तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन ढक सकते हैं, कोई भी आप स्टील का प्लेट या कोई भी प्लेट आप इस पर रख दीजिए और इसे ढकने से ये और भी कम टाइम में पक जाएगा। हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए। ये देखिए, टमाटर में उबाल आ चुका है। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, टमाटर हल्का सा फट गया है। इसे हमें 1 मिनट और पकाना है जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके छिलके उतरने लग जाएं। ये देखिए, 1 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने पर हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए, आसानी से छिलके उतर जाएंगे, छिलके इसके अलग हो रहे हैं। ठंडा होने के बाद आप इसके छिलके उतार लीजिए। टमाटर अब ठंडा हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके छिलके उतारने हैं और हमें इसे ग्राइंडर में रखना है। ग्राइंडर जार में आप इसे रख दीजिए। ये देखिए, छिलका हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छिलका हमें इसके अच्छे से उतारने हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से छिलके इसके उतर जाते हैं। इसी तरह सारे टमाटर के छिलके को हमें उतार लेना है।
ये देखिए सारे छिलके हमने उतार लिए हैं। अब हमें इसे पीस लेना है और ये जो पानी बच गया है टमाटर उबालने से इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इसे हम इसे छान लिए हैं और इस गाढ़े पानी को हम टमाटर में ही डालकर पीस लेंगे और जो बचे हुए पानी हैं उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। हमें इस चटनी में कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसीलिए हम चटनी बनाते वक्त ये बचे हुए पानी को हम यूज़ करेंगे। ये देखिए जो छानकर गाढ़ा बचेगा उसे हमें ग्राइंडर में डालकर ही पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने टमाटर को पीस लिए हैं। इस तरह से आप मीठी चटनी बनाएंगे तो कभी भी चटनी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल भी नहीं डालना है, एक बड़ा चम्मच आप डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हींग पकने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। ये देखिए आधा चम्मच मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसमें बचे हुए पानी भी डाल देंगे जो हमने छान कर रखा है, हमें इसमें कच्चे पानी यूज़ नहीं करना है, तो आप बचे हुए पानी को डाल दीजिए जिससे कि मिर्ची ना जले। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी पूरे अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे हिलाते हुए। आधा चम्मच हम इसमें नमक भी डालेंगे। इस तरह अगर आप मीठी चटनी बनाएंगे तो स्वाद में तो ये अच्छा लगता ही है, साथ ही आप इसे बहुत दिन तक स्टोर करके रख भी सकते हैं, ये ख़राब जल्दी नहीं होता है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे बंद करके रख सकते हैं। जब हम कच्चे पानी का यूज़ कर देते हैं तो हमारी चटनी ख़राब होने लगती है, वो ज़्यादा दिन तक आप उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ कच्चा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी हमें चटनी को आधा होने तक हमें इसे पकाते रहना है इसी तरह से। ये देखिए जैसे ही चटनी में थोड़ा कलर आ जाए तब आप इसमें 200 ग्राम जितना चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 600 ग्राम टमाटर ली थी, इसीलिए मैं यहाँ 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ।
यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहिए एनएस होम टिप्स के साथ। ये देखिए लगभग चटनी तैयार है। आप चाहे तो इसे इतना गीला भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और सुखा सकते हैं। थोड़ा देर और पकाएंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा जम जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस तरह चटनी रखना है। ये देखिए सो फ्रेंड्स, मीठी चटनी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।